सिटी तेल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास हेडलाइंस के साथ। पानीपत सेक्टर 12 के ग्रीन पार्क में RWNA की प्रेस वार्ता। RWNA नेताओं पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। संभालगढ़ ब्लॉक के गांव मनाना में कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए साधु महाराज पिछले एक महीने से कर रहा था तपस्या। इसी के चलते गाँव वासियों के सहयोग से गाँव में 1 अक्टूबर को किया जाएगा भंडारे का आयोजन। राहत की खबर आई सामने, जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। रिकॉर्ड रिकवरी प्रतिशत के मामले में टॉप 5 जिलों में शामिल हुआ पानीपत। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 84%। कोरोना की जांच के लिए सिविल अस्पताल में 3 दिन के बाद शुरू हो सकती है लैब। 10 घंटे में मिलेगी कोरोना रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लैब का शुभारंभ। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधायक ईमानदार, सांसद ईमानदार, निकाय मंत्री ईमानदार, मुख्यमंत्री ईमानदार, अरे भाई सब लोग ईमानदार है। फिर के नाते नीचे लूट कैसे हो रही है? ये तो दोनों हाथों से लूटा गया, गजनी बन के आए और लूट के चले गए यहाँ से। यानी एक भी आदमी यहाँ लगाना चाहते हैं और ये जो है इतना पैसा इस वक्त कर दिया, यहाँ इतने पत्थर लगाने की जरूरत क्या थी? ये तो अब समझना चाहिए कि ये इसलिए इतना इतना होता है, ये पैसा खाने के लिए कितना काम आता है। इस पार्क में 2,35,00,000 रुपए का काम कराया गया ठेकेदार के द्वारा और 2,35,00,000 रुपए से इसमें 1 करोड़ रुपया भी नहीं लगाया। इसमें टोटल स्कैम हुआ इस पूरे पार्क के अंदर। नगर निगम पानीपत जिम्मेदार इसलिए है कि ना तो यहाँ सफाई कर्मचारी है, ना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। लाइटें सारी खराब रहती हैं, जो फैंसी लाइट लगा रखी 125 लाइट में से 85 लाइट आज भी खराब है। यहाँ से 1,00,000 रुपए का बजट था, इसमें टोटल स्कैम हुआ इस पार्क के अंदर, इसमें लगाई कुछ नहीं सही मायने। अगर इसमें ईमानदारी से 1 करोड़ रुपया भी लग जाए ना तो ये पार्क लगेगा। हाँ, ये पार्क हरियाणा का नंबर 1 पार्क होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का नारा तो तब सफल होगा अगर इस पे करप्शन पे कहीं अंकुश लगेगा। इतने भ्रष्ट आदमी हैं, ये सारे टोटल भ्रष्ट बैठे हैं। सफाई के नाम पे तो जीरो है। एक हफ्ता होगा, हमने पहले घास कटिंग कराई थी, हमारी 6 घंटे मशीन चली है। यहाँ पे 2.5 फीट ऊंची घास खड़ी हुई थी और वो घास आज भी जो की तो खड़ी है। हमने नगर निगम को भी गुहार लगा चुके हैं, भाई कूड़ा लिफ्टिंग करवा दो यहाँ से। करोड़ों रुपए ये JBM कंपनी को देते हैं, तो जब कम से कम वो करोड़ रुपए यहाँ से ठकार के जाते हैं, कंपनी उठाती है तो कम से कम वो यहाँ से कूड़ा लिफ्टिंग करवा दे। अगला कदम रहेगा तो घेरने का प्लान है, इनको घेरा जाएगा, इनके ऑफिस से घर से निकलना बाहर बंद करना ही बिल्कुल पूरी तरह। सरकार ईमानदारी का ढोल पीट रही है, किसान सड़कों पर है, व्यापारी बेवसूली के चार्ज में व्यापार छोड़ने को मजबूर है। पानीपत हल्की बरसात में डूब जाता है और अब यह हालात है कि RWNA पार्क को लेकर भी ATF ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेक्टर 12 ग्रीन पार्क की, जो लगभग 6 एकड़ में बना है। सेक्टर 12 RWA एसोसिएशन द्वारा आज पार्क में ही पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें RWA के प्रधान हरिओम तायल, डॉक्टर नरेंद्र समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। डॉक्टर नरेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 12 के इस ग्रीन पार्क में लगभग 2.5 करोड़ रुपए सौंदर्यकरण के तौर पर लगाए गए, लेकिन पार्क की हालत देखकर कौन कहे कि यहां 2.5 करोड़ रुपए से पार्क का नवीनीकरण हुआ है। हैरत की बात है कि पार्क में 125 लाइटों में से 85 लाइटें आज भी खराब है। RWA द्वारा पार्क की सुविधा के लिए गार्ड व माली लगाए गए हैं, कई बार नेताओं के चक्कर काट चुके हैं, वहीं निगम कमिश्नर से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबा निगम व अधिकारी पार्क के नाम पर आश्वासन तो देते हैं लेकिन कर्मचारी नहीं। ईमानदारी का ढोल पीटने वाली सरकार, क्या बोले RWA के सदस्य, यह हम आपको सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा ये पार्क है सेक्टर 12 ग्रीन पार्क, इस पार्क में 2,35,00,000 रुपए का काम कराया गया ठेकेदार के द्वारा और 2,35,00,000 रुपए में से इसमें 1 करोड़ रुपया भी नहीं लगाया गया। इसमें टोटल स्कैम हुआ इस पूरे पार्क के अंदर और हमने मुख्यमंत्री से लेकर के निकाय मंत्री को भी हमने चिट्ठी लिखी, DC महोदय को हम मिले, हेमा शर्मा डी शर्मा थी उस समय यहाँ पे, और विधायक जी से हम लोग मिल लिए। नगर निगम के चक्कर काट काट के हम लोग परेशान हो गए लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब वो कुल मिलाकर के ये है कि इस पार्क की जो हालत ख़राब है ना, इसका जो जिम्मेदार है नगर निगम पानीपत है। नगर निगम पानीपत जिम्मेदार इसलिए है कि ना तो यहाँ सफाई कर्मचारी है, ना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। अब ये फाउंटेन तो बना दिए है, फाउंटेन भी आधी अधूरी तैयारी के साथ इन लोगों ने चालू करवा दिए, ना तो उसमें पानी डालने का सिस्टम है, ना पानी निकालने का सिस्टम है इसके अंदर, यहाँ कुछ नहीं है। लाइटें सारी खराब रहती हैं, जो फैंसी लाइट लगा रखी
125 लाइट में से 85 लाइट आज भी खराब है। यहाँ से बार बार यहाँ के जो हमारे MLA साहब हैं उनको मिल चुके, हम लोग कमिश्नर को कई बार मिल चुके, चिट्ठियाँ सबको दे चुके हैं बार बार, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों ने माली अपना रखा हुआ है यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड हमारा है यहाँ पे, ठीक है, और सफाई कर्मी हमारा है यहाँ पे। हम व्यवस्था कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं वो तो हम लोगों को पता ना। तक हमें एक रुपया दिया, कम से कम जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस तो कम से कम मिलता रहे ताकि RW इसको देखती रहे। पार्क में फाउंटेन की हालत देख लीजिए, इस नवीनीकरण का नया नजारा। यह वही पार्क है जहां पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को दिखाकर अपनी राजनीति कर रहे थे। आज उन्हीं की बेटी महापौर है, लेकिन इसकी आवाज उठाने के लिए आज RW तमाम अधिकारी व जनता के प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। डॉक्टर नरेंद्र ने कहा कि यदि यहां 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया भी ईमानदारी से लगता तो यह हरियाणा में अनोखा सबसे अच्छा पार्क बन जाता, लेकिन निगम और सरकार की इच्छा पार्क में पैसे लगाने की नहीं, पार्क से पैसे कमाने की है। दिक्कत तो यहाँ ये है कि यहाँ टोटल स्कैम हुआ है, चाहे फाउंटेन के नाम पे हुआ हो, चाहे ग्रेनाइट लगाने के नाम पे हुआ, चाहे फैंसी लाइट लगाने के नाम पे हुआ हो, है या इसके डेवलपमेंट के नाम, यहाँ लूट हुई है पूरी। ये आप दीवार देख रहे हैं, दीवारें, ये दीवारें सारी पुरानी बनी हुई हैं, इन पर क्या किया है, इनका प्लस्तर उतार करके नया POP लगा के नई दीवारें बना दी गई। टोटल स्कैम हुआ है। कहाँ गए वो नेता, कहाँ हैं वो जो लंबी चौड़ी बातें करते थे कि हम जीरो टॉलरेंस की बात, कहाँ जीरो टॉलरेंस की बात, कहाँ जीरो टॉलरेंस रह गया। ये तो भ्रष्टाचार की जड़ है। मुख्यमंत्री ईमानदार, सारे ईमानदार है, फिर भी नीचे डकैती हो गई है। पानीपत तो लूट गया, इसका मतलब ये हुआ गजनी की तरह आया और लूट के चला गया। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मैं राज्य सरकार से डिमांड करता हूँ इस बात की कि उसकी संपत्ति को अटैच करके उसकी भरपाई की जाए। बाकायदा हरिओम ताल RW प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, जहां रोजगार देने की बात करने वाली सरकार लोगों के रोजगार को छीन रही है। और उनको भी ये मतलब सहारा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये चाहते नहीं है कि भाई यहाँ कोई सिक्योरिटी वाला रहे या माड़ी रहे या जो भी है किसी प्रकार का कोई सुरक्षा। कहते हैं ना कि भाई हम बेरोजगारी मिटाएंगे, ये बेरोजगारी कैसे मिटेगी बताओ? यानी एक भी आदमी नहीं लगाना चाहते, और ये जो है इतना पैसा इस वक्त खर्च कर दिया, यहाँ इतने पत्थर लगाने की जरूरत क्या थी? ये तो अब समझना चाहिए कि भाई ये इसलिए इतना होता है, ये पैसा खाने के लिए कितना सारा काम होता है। RW सेक्टर 12 द्वारा जनता के प्रतिनिधि व सरकार पर हावी हुई अफसरशाही अल्टीमेटम दिया गया है। यदि समयबद्ध इन पर संज्ञान नहीं लिया गया तो उनके घर व कार्यालयों का घेराव करने के लिए RW ने चेतावनी दी है। अगला कदम तो हमारा इनको घेराव करने का होगा। इनको घेराव करने के पास जनता के पास कोई चारा नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, और RWA तो मांग करती है, राज्य सरकार से भी मांग करती है, नगर निगम कमिश्नर से भी, विधायक जी से भी मांग करती है कि तत्काल इस ओर ध्यान दे करके इस संपूर्ण समस्या का समाधान किया जाए। अगर सम टाइम में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो RWA तुरंत इन सब लोगों घेराव करेगी, इनका घर से निकलना बाहर से बंद कर देगी, ऑफिस से निकालना बंद कर देगी। विधायक तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी ऐसी कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने। अरे भाई ये भ्रष्टाचार टोटल भ्रष्टाचार तो हो रहा है, हम बार बार बता रहे हैं, ये एविडेंस है, ये देखने में लगता है कितना भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक जी को चाहिए कि टोटल इस स्कैम की जांच करा करके इनके खिलाफ FIR दर्ज कराए, इनकी संपत्ति अटैच करके इनसे भरपाई करी जाए। एक के तो खिलाफ दिखाओ करा करके, खाली डॉल पीटने से काम चलता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि निगम इन बातों पर कितना ध्यान देता है और ईमानदारी का ढोल पीटने वाले नेता इस पर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। कोरोना महामारी से बचाव के लिए की जा रही तपस्या। आपको बता दें कि संभालका ब्लॉक के गांव मनाना में कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए तपस्वी महाराज रविंदर दास की पिछले 1 महीने से तपस्या जारी है, जिसके चलते गांव में 1 अक्टूबर 2020 को भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी गांववासी व आसपास के गांव के लोग भी शामिल होंगे। भंडारे का आयोजन मुख्य समाजसेवी परवीन व गांववासियों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके लिए गांव में उत्साह का माहौल बना हुआ है।
वहीं जब इस बारे में तपस्वी महाराज रविंदर दास जी से बातचीत की गई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया वह भी जरा आप सुनिए। रविंदर दास जी तपस्या कर रहे हैं मलाना गांव में और कोरोना महामारी से बचने के लिए तपस्या करी गई है साधु को और इसका भंडारा कर रहे हैं 1 तारीख का और लड्डू का कर रहे हैं। कोरोना वायरस का पूरा ध्यान रखते रखते हुए इसमें महाराज जी पूरे गांव का सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ, पूरा गांव का छत्ती बिरादरी का हमारे को सहयोग मिला हुआ और चंदा भी आता है, सभी मर्यादा भी रखते। समाज सेवी परवीन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी से मुक्ति पाने व गांव की सुख समृद्धि के लिए साधु महाराज की पिछले 1 महीने से तपस्या जारी है और इसी के चलते गांव में 1 अक्टूबर को भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हमारे गांव में डेरा है बाबा जी का, वहां पे 1 तारीख को भंडारा किया जा रहा है। जो ये कोरोना महामारी फैल रही थी इससे मुक्ति पाने के लिए हमारे संत रविंदर दास जी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तप रहे हैं, खड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो उन इस बीमारी से मुक्त होने के उसमें पूरे गांव के सहयोग से भंडारा किया जा रहा है ताकि ये बीमारी से मुक्ति मिले हमारे देश को और पूरे विश्व को भी जल्दी से जल्दी, जो कोरोना की महामारी फैल रही है, और गांव की समृद्धि और सुख शांति के लिए भंडारा किया जा रहा है। और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारे भाई वहाँ पर पता, जिसमें गांव वासियों द्वारा भी पूर्ण रूप से सहयोग दिया जा रहा है। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। राहत की खबर सामने आई, जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। आपको बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमण जहां कम हुआ है, वहीं कोरोना मरीज तेजी से ठीक होते जा रहे हैं। जिले में अब तक कुल 6,075 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अब रिकॉर्ड रिकवरी प्रतिशत के मामले में पानीपत टॉप 5 जिलों में शामिल हो चुका है और रिकवरी दर बढ़कर 84% हो चुका है, जो कि जिला वासियों के लिए राहत भरी बात है। वहीं जिले में पिछले 7 दिन से लगातार केस कम मिल रहे हैं और ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि मौत का सिलसिला लगातार जारी है, आए दिन कोई न कोई कोरोना से जंग हार रहा है, इसीलिए आमजन को लगातार सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि महामारी के अधिक फैलने के खतरे से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।